Mobility and the solution for the mobility that you come out with. Solution jo hai, samadhan jo hai ap me problem. That is what the sustainability means. So that is what sustainable mobility is, and smart of course means that it should be digitally enabled. Mobility should be like each of them should be talking to one another. दैट इज वॉट द मोबिलिटीज कल से हम लोगों ने देखा कि यहां पर तरह तरह के इनोवेश की बात हुई तरह तरह के जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इस देश में हो रहे हैं उसकी चर्चा की गई लेकिन सब चीज स्टैंड स्टिल हो जाएगा यदि आपके पास मोबिलिटी नहीं है अब दो चीज हम आपको बताएंगे फर्स्ट इज दैट यू नो रिमेंबर द अवर चाइल्डहुड एसेज जो एक हम लोग हमेशा लिखते थे कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस, भारत गाँव का शहर है गाँव का देश है इसकी आत्मा गाँव में बसती है नाउ दैट कॉन्सेप्ट दैट पैराडाइम हैज चेंज इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट अर्बनाइज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हर मिनट 18 आदमी से बीस आदमी समझिए गांव से शहर की ओर जा रहे हैं अपने देश में जो शहर हैं वो तीन प्रतिशत क्षेत्र में हैं एंड दिस थ्री परसेंट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट नाइन्टी एट परसेंट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री सो दिस थ्री परसेंट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट नाइन्टी एट परसेंट दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि जो अर्बन सेंटर्स हमारे हों जो हमारे शहर हों वो बहुत ही अच्छे हों और दुनिया के सबसे अच्छे शहरों को यदि आप देखिए मोस्ट लिवेबल सिटीज़ ऑफ़ द वर्ल्ड और उसमें देहरादून भी नहीं आता भारत का कोई शहर नहीं आता बल्कि पहले सौ में भी नहीं आता एशिया के भी जो शहर आते हैं उसमें गिने चुने एक दो शहर आते हैं टोक्यो आता है सिंगापुर आता है हांगकांग आता है बाकी कोई शहर नहीं आता दुनिया के जो सबसे अच्छे शहर हैं यदि इनका नाम हम आपको बताएं, तो वियना कोपेनहेगन, बार्सिलोना एम्स्टर्डम स्टॉकहोम ये दुनिया के सबसे अच्छे शहर हैं और इन शहरों में यदि आप देखिए तो इन शहरों का जो सबसे कोर स्ट्रेंथ होता है वो दो चीज़ होता है एक है मोबिलिटी और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी इज अ बिगर कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन इज एन इज़ ए स्मॉलर कॉन्सेप्ट इन शहरों में इसमें से दो तीन में जाने का मुझे अवसर लगा इन शहरों में जाकर आप देखेंगे तो आपको एक चीज आश्चर्य होगा कि जिस जगह पर आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज वहां आपको दिखाई देगा यानी यदि आप जानना चाहते हैं कि वॉशरूम यहां पर कहां होगा जब आप आंख उठाएंगे तो दिखलाई देगा वहां पर टॉयलेट का सिंबल बना रहेगा और बताता हुआ रहेगा कि वहां पर यह रहेगा किस जगह के लिए कहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा वो आपको दिखाई देगी सबसे ये तो कहीं भी हो सकता है लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा कैसे होता है कि वो शहर ऑलमोस्ट इट इज़ अ कस्टमाइज टाउन फॉर यू आपको लगता है कि ये शहर को में ये शहर को मेरे आने से पहले किसी ने मेरे लिए बना दिया है इसलिए जो भी मेरी ज़रूरत है वहाँ पर एवरी थिंग इज बींग टेकन केयर ऑफ दिस इज वॉट द अर्बन प्लानिंग मीन्स अब देखिए उसकी तुलना में हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं

दैट वॉट इज़ गोइंग टू बी दैराडाइम फॉर फ्यूचर मोबिलिटी इन इंडिया सो ही लेड इट आउट उन्होंने सात सीज की बात की उन्होंने कहा कि मोबिलिटी जो है वो कॉमन <coughs> होना चाहिए कन्वीनियंट होना चाहिए कनेक्टेड होना चाहिए चार्ज होना चाहिए क्लिन होना चाहिए कटिंग एज का मोबिलिटी होना चाहिए उन्होंने इस तरह की बात की कि मोबिलिटी में ये चीज़ें होनी चाहिए और उसके बाद उससे छः महीने के बाद नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज नीति आयोग में 7 मार्च 2019 को बनाया गया जिसका काम ये किया गया कि इस तरह की मोबिलिटी को आप अर्बन सेंटर्स में भारत के शहरों में इस तरह की मोबिलिटी को आप लाने का प्रयास कीजिए अब उसके साथ ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स लॉन्च किए नेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च किया एक प्रोग्राम कहलाता है फेम प्रोग्राम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्योंकि ये देखा गया कि मोबिलिटी के जितने पैराडाइम्स प्रधानमंत्री ने जो सात चीज की बात की थी लगभग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वॉज एबल टू सेटिस्फाई इट वॉज एबल टू कन्फर्म टू ऑल द सेवन स्टैंडर्ड्स साइमल्टेनियसली दैट इज वाई बी डिसाइडेड दैट वी शुड बी प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फेम आया फेम का वर्जन टू था वो और लास्ट ईयर हम लोगों ने उस फेम को फेम का मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल दस हजार करोड़ रुपए का प्रोग्राम था उसको हम लोगों ने री किया क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जो भी हमने टारगेट्स बनाए थे वी आर मिसिंग ऑन द टारगेट्स बल्कि टारगेट के कहीं भी हम नजदीक नहीं पहुंच पा रहे थे एग्जाम्पल लेते हैं टू व्हीलर के केस में वी, 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 वी मिलियन दस लाख टू व्हीलर्स को हम इंसेंटिवाइज करेंगे ये हमने तय किया था और एंड एज एज अगेंस्ट दैट हम कितने पर थे हम पैंतीस हजार के करीब टू व्हीलर कर पाए थे वही स्थिति बसेस में थी वही स्थिति जो है वो कार में थी वही स्थिति थ्री व्हीलर्स में थी हर जगह हमारा परफॉर्मेंस खराब था तो उसको बड़ा इंटेंसिवली एनालाइज किया गया दैट वाई एग्जैक्टली वी आर फेलिंग ऑन दिस फ्रंट ऑफ मोबिलिटी ऑन ब्रिंगिंग इन द मोस्ट डिसरिव द बिगेस्ट ग्लोबल डिसरप्शन इन मोबिलिटी इन इंडिया क्यों दिक्कत हो रही है तो इस कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचे कि हम हरेक पेशेंट को एक ही दवा दे रहे हैं तो ये तो फिर चलेगा नहीं देन वी डिसाइडेड दैट फॉर ईच वहीकल सेगमेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी हैजू बी एडॉप्टेड हमने उस स्ट्रैटेजी को चेंज किया टू व्हीलर के स्ट्रैटी को चेंज किया थ्री व्हीलर को चेंज किया बसेस को चेंज किया हर के स्ट्रैटेजी को चेंज किया टू व्हीलर में हमने डिमांड हमने जो इंसेंटिव दे रहे थे दस हजार रुपया उसको बढ़ा करके पंद्रह हज़ार कर दिया बसेस में हमने कहा कि नहीं हम इतना वेस्ट नहीं करेंगे अपना पैसा भारत के सारे शहरों के लिए वेस्ट नहीं करेंगे हम लाइट हाउस सिटीज़ का कॉन्सेप्ट में जाएंगे यानी केवल उन्हीं शहरों में अपनी ताकत अपनी ऊर्जा अपना पैसा लगाएंगे जिसका पॉपुलेशन फोर मिलियन प्लस है इस तरह के नौ शहर थे और उन नौ शहरों में जो है हमने डिसाइड किया कि इसके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कम्प्लीटली चेंज करना चाहिए और भी कई तरह के पैरामीटर्स लगाए गए अब देखिए करीब एक वर्ष से थोड़ा ऊपर करीब चौदह पंद्रह महीने के आसपास हो रहा है और रिज़ल्ट यह है कि जहाँ वहाँ पर हम पैंतीस को सपोर्ट कर पाए थे आज के डेट में हम करीब तीन लाख साठ हजार को टू व्हीलर में सपोर्ट कर पाए बसेस में भी वही स्थिति है थ्री व्हीलर्स में भी वही स्थिति है यानी हर एक जगह पर इन एक वर्षों में हमने बहुत ज़्यादा बढ़त हासिल की है जहां तक इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मोबिलिटी का सवाल है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सवाल है यू दैट इंटरनेशनली इट इज एक्लेम्ड कि इंडिया इज वन ऑफ द वन ऑफ़ द इट इज़ वन ऑफ द रेयर कंट्री विच इज़ टेकिंग इट ऑन ए स्ट्रक्चर्ड वे बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके ले, से लेकर चल रहा है नंबर वन और नंबर टू एज़ फार एज एडोपन का जो पेस है वो फास्टेस्ट पॉसिबल पेस इंडिया में हो रहा है यही कारण है कि पूरी दुनिया का इस वक्त इंटरेस्ट इंडिया के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में या मोबिलिटी की और जो नए सोर्सेज नए तरीके हैं उसमें पूरी दुनिया का इंटरेस्ट हो रहा है अब अभी हमने हाल में ही जो है 5,450 बसेस का एक प्रोग्राम को रैप अप किया कंक्लूड किया 5,450 बसेस प्रोग्राम वाज रैप्ड अप। आप ये नंबर जो है 5,450 ये बहुत बड़ा नंबर है यू कैन अंडरस्टैंड दिस यू कैन जस्ट गिव यू सेंस पिछले साल पूरे यूरोप में सत्रह देशों ने मिल करके कुल तेईस सौ बसेज को वो अपने अपने देश में ला सके पूरे सत्रह देशों ने यूरोप के यूनियन के सेवनटीन कंट्रीज दे वर्कड लाइक एनी थिंग एंड दे कोड जस्ट ब्रिंग ट्वेंटी थ्री हंड्रेड व्हीकिल और हमने अभी जो रैप अप किया है दैट इज वी हैव रैप्ड अप फॉर फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी व्हीकिल जो अगला ट्रांस हम जा रहे हैं दैट इज फॉर फिफ्टी थाउजेंड व्हीकिल फिफ्टी थाउजेंड बसेज

कि इसका प्रोडक्शन को सपोर्ट किया जाए उसके लिए अलग से पीएलआई स्कीम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो स्कीम लॉन्च किया एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए किया और एक जो है वो एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए किया ए एडवांस केमिस्ट्री सेल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सनराइज एरिया वन ऑफ द बिगेस्ट डिसरप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिकेड आपके जो मोबाइल में सेल लगा हुआ है जो लैपटॉप में सेल लगा हुआ है वही सेल बैटरी और बैटरी पैक के रूप में जा कर के लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोपेल करता है उसको वो चलाता है दैट इज कॉल्ड एडवांस केमिस्ट्री सेल अभी तक इंडिया में एडवांस केमिस्ट्री सेल लिथियम बेस्ड एडवांस केमिस्ट्री सेल नहीं बनता है वो हम लोगों ने उस प्रोग्राम को रैपअप किया उसको खत्म किया अब पहली बार मेक इन इंडिया जो एडवांस केमिस्ट्री सेल है वो 2024-25 में पहली बार बनेगा और हम जो सपोर्ट दे रहे हैं दैट इज 18,100 करोड़ रुपीस का ये सपोर्ट दे रहे हैं 50 गीगावाट के लिए सपोर्ट दे रहे हैं और वी हैव आइडेंटिफाइड कि कौन लोग होंगे जो इस एडवांस केमिस्ट्री सेल को बनाएंगे अपने देश में और आपको बताएं कि जब ये प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया था पचास गीगावाट के लिए बनाने वालों की खोज चल रही थी तो एक शुरू में ये कहा जाता था कि आपको इसके लिए दस पंद्रह गीगावाट बनाने वाले भी नहीं मिलेंगे दैट वॉज द काइंड ऑफ डिफिडेंस विथ विच वी हैड स्टार्टेड एंड फाइनली जब बिट्स खोले गए तो एक सौ तीस के बनाने वाले लोग हमारे पास तैयार थे बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल प्लेयर्स यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है आप इसको समझें इस तरह से कि सरकार के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसमें दो जो है सबसे क्रांतिकारी है टू आर द मोस्ट रेवोल्यूशनरी एरिया वन इज सोलर पैनल एंड द सेकेंड इज एडवांस केमिस्ट्री सेल थर्ड इज ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट बट दीज टू आर गोइंग टू बी द मोस्ट सनराइज एरिया एंड वी वी मेड ऑल एफर्ट्स टू इंश्योर कि किसी भी तरह के वी रेसिस्टेड ऑल प्रेशर्स कि कोई भी एफिशियंसी के स्टैंडर्ड पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें कहने का मतलब हमारा जो एडवांस केमिस्ट्री सेल होगा वो इंटरनेशनली एफिशियंसी के पैरामीटर पर बेस्ट होगा आप इसको इस तरह समझें बिकॉज वी सिंपली टोल दैम दैट We should not be coming out with, with batteries and the and the cells, which can be made in India, used in India, and throw in India, kind of stuff. It should be an object of desire for the entire world. So that was the idea with which we started, and precisely it is going on the right track. That's why I told you that in 2024, 25, you will be watching for the first time, make in India cell. Imagine kijiye. इस वक्त जब हम सारे सेल्स बाहर से मंगवाते हैं उस पर ड्यूटी लगता है यहाँ पर उसकी पैकेजिंग की जाती है जब ये सेल्स अपने देश में बनेगा दो वर्षों के बाद तो सेल के प्राइस में कितनी कमी आएगी शुरू में शायद नहीं आए बट द मोमेंट इट रीच इज दैट स्केल एंड द साइज कितना प्राइस कम होगा और जब उस सेल का यूज़ आपके लैपटॉप में आपके मोबाइल में तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट्स में मेडिकल इक्विपमेंट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसका यूज़ हो सकेगा तो और भी फर्दर जो है वो रिड्यूस करेगा मोबिलिटी के एरिया में इस बार गवर्नमेंट ने और भी एक बड़ा इनिशिएटिव लिया वो बैटरी शॉपिंग की पॉलिसी लाई बड़ा मोटा सा फंडा उसका ये है कि जिस तरह से आपके घर में गैस का चूल्हा होता है आपका इंटरेस्ट केवल चूल्हा में रहता है आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं रहता कि गैस कौन से सिलेंडर में आ रहा है उस सिलेंडर का ओनर कौन है उसका कंपनी कौन है इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहता योर इंटरेस्ट इज ओनली कन्फाइंड टू कि आपका जितने पैसे आपने दिए हैं उतना आपको गैस मिल जाए और आपका चूल्हा जो है वो चलता रहे प्रिसाइजली दैट इज़ वॉट द प्रिंसिपल ऑफ बैटरी शॉपिंग इज बैटरी शॉपिंग में भी यही चीज़ है कि आप अपनी गाड़ी लेके जाएंगे कोई भी बैटरी उसमें लग सकती है और आप बैटरी लगा करके पाँच मिनट में वहाँ से चल देंगे <coughs> ये प्रिसाइजली अर्बन सेंटर्स के लिए बनाया गया बिकॉज इन अर्बन सेंटर्स इतना वक्त नहीं होता कि कोई एक व्हीकल जो है चार घंटे पाँच घंटे खड़ा होकर के जो है वो चार्जिंग की सुविधा कर सकता है तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फ्रंट पर इसके इको की जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक मिशन मोड में उसको केंद्र सरकार के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है आपको बताएं कि सबसे अच्छी बात हमने ये की कि वी डिड नॉट क्रिएट अ पॉलिसी फॉर दिस वी क्रिएटेड प्रोग्राम्स बट वी डिड नॉट क्रिएट अ पॉलिसी वी सेड कि ये पॉलिसी राज्य सरकारों के द्वारा बननी चाहिए नहीं तो हम कोई पॉलिसी बनाएंगे तो कोई एक राज्य सरकार कहे कि नहीं ये तो पसंद नहीं आ रहा है हमको फिर पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के खिलाफ ही वो एक नया आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया अब हम उस चक्कर में नहीं फंसे इस वक्त

वी न्यू दैट दिस इज एन दिस इज़ अ सनराइज एरिया इट इज़ अ ग्रोइंग एरिया इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंज बड़े फास्ट होंगे सो वी इनक्रेज आवर ओन आई आई टीज टू टेक इट फॉरवर्ड और आज करीब पंद्रह आई आई टीज ने इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स डेडिकेटेड प्रोग्राम्स और डिपार्टमेंट खोल रखे हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स के अलग अलग नाम से बुलाते हैं दे कॉल इट सस्टेनेबल इंजीनियरिंग्स डिफरेंट नेम्स आ गया है डेली ने तो बल्कि एक, एक तीस लोगों तीस बच्चों का जो है एक फुल फ्लेजेड बी टेक कोर्स भी शुरू किया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकली आर एन डी में भी हम उसको ले करके चल रहे हैं कुल तो मिला के मोबिलिटी जो होगा फ्यूचर में वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड मोबिलिटी होगा इसके लिए जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे हों कि हर आदमी घर से निकलने के पहले ये सोचे कि हम अपनी गाड़ी लेके ऑफिस नहीं जाएंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे सो दैट इज पॉइंट नंबर वन दैट इज वाई द एंटायर इज ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू नो प्राइजली वंडरफुल स्टेटमेंट बाई सेज़ That the great cities are not where the poor people drive cars; they are the ones where rich people patronise public transport. The public transport is important That is number one. Number two. In the coming walking or cycling ka emphasis. You know, again, I will quote one of the uh, leading urban प्लानर एंड अर्बन डिजाइनर हुट द डेफ्थ ऑफ अ डेमोक्रेसी इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय द वे ऑफ द फुटपाथ द डेफ्थ ऑफ द डेमोक्रेसी इज अंडरस्टूड बेस्ट बाय द वेट्थ ऑफ द फुटपाथ इसलिए क्योंकि जितने लोग चलने वाले हैं उनके लिए भी स्पेस आपको जेनरेट करने पड़ेगा फ्यूचर में जो मोबिलिटी है वो वॉकिंग साइकिलिंग उस रिलेटेड मोबिलिटी होगा <coughs> आप यूरोपियन सिटीज़ में देखेंगे उन लोगों ने साइकिल के और तरह तरह के उन्होंने इसके स्पेसेस बना रखे हैं जहां आप खूब दूर तक पैदल चल सकते हैं करीब पाँच किलोमीटर तक पैदल चलना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डेली कम से कम चलेंगे ऑफिस आवर्स के समय मतलब अपने काम से ऑफिस या एंटरटेनमेंट के लिए जब जा रहे हैं तो पैदल जाएंगे गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जापान का जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है शीजूकू वहाँ से लेकर के आप अगल बगल के छोटे मोटे जो प्रिफेक्चर्स तक जाएंगे सब लोग पैदल जाते हैं कोई गाड़ी से नहीं जाता यदि कोई गाड़ी से जा रहा है इसका मतलब ये समझा जाता है कि लगता है उसका तबीयत वगैरह कुछ गड़बड़ चल रहा है वो अभी ठीक नहीं है दैट इज आप देखें डेनमार्क में फॉर एग्जाम्पल एम सॉरी एम्स्टर्डम में फॉर एग्ज़ाम्पल उन लोगों ने क्या किया है कि टू एनकरेज वॉकिंग उन्होंने पूरा कह दिया है कि यदि एक आदमी इतने समय तक अपना ऑफिस पैदल आता है पैदल जाता है तो सिक्स मंथ्स उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं कि आप पैदल चलिए तो पैदल चलना और साइकिलिंग साइकिलिंग का जो है आप देखिएगा आने वाले समय में और ये जब आने वाला समय में मैं बोल रहा हूँ तो कोई दस साल का ये ए उतना बड़ा कैनवास नहीं ये तीन से चार साल की बातें कर रहा हूँ उसमें आप देखेंगे कि मोबिलिटी का जो चेंज होगा वो साइकिलिंग और वॉकिंग इसका पूरा एम्फेसिस होगा मोबिलिटी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड मोबिलिटी होगा वी आर इनक्रेजिंग हमारे जो अपने ओ हैं टाटा हैं अशोक लीलैंड है वल्वाइशर है और उलेक्ट्रा है जो हमारे अपने ओ हैं हम यह भी इंकरेज कर रहे हैं कि दुनिया के जो बेस्ट बस मैन्युफैक्चरर्स हैं स्कैनिया है मर्सिडीज़ है वी है उनको हम साइट देना चाहते है कि हैं कि देखिए आप जहाँ पर हैं वहाँ आप साल भर में 200 बस बनाते हैं और यहाँ पर 200 बस का तो रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से हर तीन साल में एक बार देहरादून में ही हो जाएगा ये काइंड ऑफ स्केल और नंबर है जिसके लिए इन दिस दे कैन बी इनकरेज्ड टू बी इन इंडिया ऑफ़ कोर्स वी हैव टू टेल देम कि आपको लोकलाइजेशन का कंपोनेंट रखना पड़ेगा ये नहीं कि हर चीज़ आप बाहर से ले करके आ रहे हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग बेस अपना इंडिया में बनाना पड़ेगा कुल मिलाकर के आपको ये बताएं सारे के सारे अर्बन प्लानर्स के लिए मैं देख रहा हूँ पूना के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं और जगहों के भी हैं sare urban planners, liye mobility is going to be one of the very top on the agenda. and when i say mobility, my emphasis is on three areas. one is public transportation. the second is cycling, or i call it, let's call it micro-mobility. and third is walking. so this is precisely what mobility is going to be in say in a time span of next four to five years with that i can uh, wrap up and uh, congratulations to uh, to for organizing such a wonderful thing. it was a really treat to the ears listening so many good things thank you